हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पीछे टॉपिक में हम पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग को पढ़ना है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है। देखते हैं होता क्या है। तो सबसे पहला स्टार मार्क लिखेंगे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो देखिए होता क्या है, इसका मीन्स होता है कंटिन्यूअस, मीन्स होता है लगातार, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है बंटवारा, और चार्ज मीन्स आवेश होता है। तो आवेशों का बंटवारा हम लगातार देखेंगे, मतलब लगातार आवेशों का बंटवारा कैसे होता है वो देखते हैं। तो लिखेंगे व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड वन डायमेंशन कॉमा देख लिखेगा टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन एंड थ्री थ्री डायमेंशन देन इट इज कॉल्ड देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसका मीन्स क्या समझे, देखिए समझते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब आवेशों का लगातार बंटवारा। देखिए व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन डायमेंशन टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन, यहाँ वन डायमेंशन टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन को ध्यान में रखना है। तो आवेशों का बंटवारा मतलब वन डायमेंशन टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन, मतलब तीनों डायरेक्शन में होगा, तीनों बीमाएं में होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यानी कि आवेशों का बंटवारा लगातार होगा और वो भी तीनों बीमाओं में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब इसको तीन पार्ट में बांटा गया है, देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को कितने भागों में बांटा गया है। स्टार मार्क लिखिएगा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यानी कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को तीन भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका सेकेंड नाम है, दूसरा नाम है। तो दूसरा नाम को क्या बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकेंड में आता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको भी सेकेंड नाम दे सकते हैं हम लोग, क्या नाम देंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या नाम देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। नंबर टू में आता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
चांद, ऐसे को क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये तीन टाइप है किसका? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसके बाद पढ़ेंगे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। इस सब का अदर नेम भी बताया है, मतलब कोई के आदमी का दो दो तीन तीन नाम होते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स का टॉपिक भी है, उस सब का दो दो तीन तीन नाम होते हैं, तो जानना हमें जरूरी है बिकॉज एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले नंबर वन में पढ़ेंगे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो देखिए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता क्या है, तो लिखेंगे व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड वन डायमेंशन देन द चार्ज पर यूनिट लेंथ देन इट इज कॉल्ड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय लेम्डा। कहने का मतलब क्या होता है? लेम्डा कहने का मतलब ऐसे सिंबल होता है लेम्डा का, ठीक है। इसको समझिए, देखिएगा, कहता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब होता है एक दिशीय चार्जों का बंटवारा। एक दिशीय कहने का मतलब वो वन डायमेंशन में होगा। कितना डायमेंशन में होगा? वन डायमेंशन में। ये यहाँ ध्यान रखिएगा, वन डायमेंशन। कौन डायमेंशन? वन डायमेंशन। और भी क्या? पर यूनिट लेंथ। कौन यूनिट? पर यूनिट लेंथ। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, बस हो गया। उसके बाद इसको डिनोट क्या चीज से करते हैं? लेमडा से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? लेमडा से डिनोट करते हैं। ये हो गया, मतलब वैसा आवेश जो एक बीमीय दिशा में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। और भी कैसा? पर यूनिट लेंथ में होगा। तो देखिए इसको हम डिफाइन करके आपको दिखाते हैं, ये होता क्या है। यहाँ को ध्यान रखने हैं पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ होता क्या है देखिए, तो ये क्या करते हैं, एक लेंथ लेते हैं, एल लंबाई के कोई लेंथ ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्या करते हैं, ये कोई बॉडी है जिसपे क्यू आवेश है, ये प्लस में है, आवेश पॉजिटिव में होता है। इस टोटल को लेमडा मान लेते हैं, एक टोटल क्या है? एल है। क्या है? एल है। क्या है? एल है, एल लंबाई के। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम? यहाँ ये लिख सकते हैं, चूंकि एल लेंथ इन एल लेंथ इन एल लेंथ, यहाँ इसको ऐसे लिखें, ठीक है। मतलब इस पिक्चर को ऐसे बनाते हैं, मतलब यहाँ बना देते हैं, इस पे प्लस चार्ज है, इसको लेमडा से स्विच कर सकते हैं, एल लंबाई के है, ठीक है। इस पे कौन सा चार्ज है? इस पे क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है? क्यू चार्ज। क्या लिखेंगे? चूंकि इन एल लेंथ, एल लेंथ इक्वल टू क्यू चार्ज। कौन सा चार्ज? क्यू चार्ज। तो इसीलिए हो जाएगा किसमें? वन लेंथ में। कौन लेंथ में? वन लेंथ।
क्या होगा, क्यू बाई एल चार्ज हो जाएगा, क्यू बाई एल चार्ज होगा। इसको हम कह सकते हैं लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बनाने के लिए एक फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। फॉर्मूला निकल के आया तो अब देखेंगे इसका यूनिट देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, यूनिट। तो यूनिट देखेंगे तो क्यू का मतलब चार्ज को तो सी से यूनिट करते हैं, सी होता है, और एल को मीटर से। इसको ऐसे यूनिट देख लेंगे। अब डायमेंशन देखते हैं क्या होता है, डायमेंशन। डायमेंशन देखिए क्या होता है, ये लेमडा है, इसको ऐसे डाल देंगे, क्यू को ऐसे, फिर एल को ऐसे। हम लोग क्यू को सी बोलते हैं और इसको एल को क्या चीज, एल ही रहता है। इसको आगे और बढ़ाएंगे तो सी एल माइनस वन, ये इसका डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ, समझ में आ गया होगा। एक बार और समझिए, इन एल लेंथ मतलब एल लेंथ में जो होता है क्यू चार्ज होता है, तो इसीलिए वन लेंथ में क्या होगा, क्यू बट एल हो जाएगा। इसको लेमडा टोटल को माना है तो लेमडा बराबर क्यू बाई एल हो जाएगा। क्यू बाई एल का यूनिट देखेंगे तो चार्ज को सी से, एल लंबाई जो होता है मीटर में होता है, ठीक है। और डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन मतलब बीमा निकालेंगे तो क्यू का सी एल का मीटर में आता है, मतलब एल का एल होता है, ठीक है। तो इसका ऐसे आ जाएगा। अब पढ़ते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आपको पढ़ने हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो देखिए सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो था ना, वन डायमेंशन में बटा था, तो इसको टू डायमेंशन में होगा। तो लिखेंगे, भाषा वही रहेगा, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डायमेंशन, टू डायमेंशन, देन द चार्ज, देन द चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा का हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। यहां देखेंगे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या था, वन पार्ट मतलब वन डायमेंशन में आया था, और उसका सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो होता है वो टू डायमेंशन में होता है। और इसको डिनोट क्या चीज से करते हैं, सिग्मा से करते हैं, कैसे करते हैं, सिग्मा से। और उसमें एक और बात ध्यान देते हैं, ये टू डायमेंशन है तो पर यूनिट क्या है, एरिया है, पर यूनिट एरिया, ठीक है। क्या है, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू डायमेंशन, देन द चार्ज, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू डायमेंशन, यहाँ इन छूट गया लिख लीजिएगा, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू डायमेंशन, देन द चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। एरिया कहने का मतलब क्या हुआ, एरिया मतलब उसका जो क्षेत्रफल जो होता है, एरिया कहने का मतलब क्षेत्रफल। तो टू डायमेंशन में क्या होगा, वो चार्ज को बांटेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहेंगे, ठीक है। इसको डिनोट क्या चीज से करते हैं, सिग्मा से करते हैं। तो इसको आगे देखिए प्रूफ करके हम दिखाते हैं, ठीक है। अब यहां देखें, ये आपका एरिया ले लिए, इस पे ये ए एरिया है,
है। इसको सिग्मा से डिनोट किया है, कैसे डिनोट किया है, सिग्मा से। तो यहाँ बोल सकते हैं ना, चूंकि एरिया इन ए एरिया लिखे, क्या लिखेगा, इन ए एरिया इक्वल टू क्यू चार्ज, इसीलिए वन एरिया, वन एरिया में क्या होगा, क्यू बाई ए चार्ज। तो हम बोल सकते हैं ये सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू बाई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। ठीक है, तो यहाँ इसका यूनिट देखेंगे, यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, सी। एरिया जो होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, तो मीटर से, ये इसका यूनिट हो गया। अब इसका देखेंगे डायमेंशन, क्या देखेंगे, डायमेंशन। तो डायमेंशन देखेंगे तो ये सिग्मा क्यू को ऐसे कर देंगे, फिर एज को भी ऐसे बना देंगे, ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो सी मिलेगा। और ये क्या होता है, एज जो होता है ये भी क्या है, एरिया लंबाई ही नहीं एक प्रकार का, ये लंबाई है, तो एल स्क्वायर लिखेंगे, तब इसको सी एल माइनस टू लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशन निकल गया, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। अब आगे आता है अपना, क्या आता है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आता है। अब आगे आपको पढ़ने हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इट्स अ लास्ट टॉपिक इन दिस टॉपिक्स। नंबर थ्री में आता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब हमने लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था तो उसको वन डायमेंशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन को टू डायमेंशन, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन आपको थ्री डायमेंशन में बांटेंगे। यहाँ लिखेंगे व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, देन द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, देन द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय उसको क्या, लेमडा से। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को लेमडा से किए थे, और उसके बाद क्या थे, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब थे क्या चीज, सिग्मा से, तो इसको क्या चीज से करेंगे, गामा से। तो गामा का हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये गामा का साइन है, ठीक है। तो सारी बात आप समझ ही गए होंगे, मतलब इसको कितना, थ्री डायमेंशन में बांटे हैं, और भी कैसा, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको डिनोट कैसे से किया है, गामा से, ठीक है। तो इसको अभी आपको हम प्रूफ भी करके दिखाते हैं, ठीक है, देखेंगे हम। यह ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए वॉल्यूम लिए हैं, तो ये वॉल्यूम ले लिए, ये भी वॉल्यूम है, इसमें चार्ज भरा हुआ है, क्या चीज भरा हुआ, चार्ज, इसको क्या चीज से, लेमडा से, हम लोग नहीं गामा से डिनोट किए हैं, क्या चीज से, गामा से। चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि इन भी वॉल्यूम इजकल टू क्यू चार्ज, भी वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो इसीलिए
वन वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा? वन वॉल्यूम में क्यू बटे भी चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज होगा? क्यू बटे भी। तो यहाँ बोल सकते हैं गामा इज इक्वल टू क्यू बटे भी हो जाएगा। तो आपका एक फार्मूला आ गया। अब यहाँ से हम यूनिट निकालेंगे इसका। तो यूनिट देखेंगे तो चार्ज का सी होता है, अब वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता? मीटर क्यू होता है। वॉल्यूम का मीटर क्यू होता है, ठीक है। अब इसका देखेंगे डायमेंशन। क्या देखेंगे? डायमेंशन। तो डायमेंशन ये गामा हो गया। गामा को बीमा लगा देते हैं, क्यू को भी बीमा लगाएंगे और भी को भी बीमा लगाएंगे। तो क्यू को तो सी बोलते हैं, बीमा लगा दिए। अभी जो होता है एल ही होता है, एक प्रकार का लंबाई होता है, लेकिन ये क्या चीज में होता है? क्यू में होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं सी एल -3, बीमा लगा देंगे, ठीक है। तो आपका बीमा निकल गया। तो ऐसे करके हमने तीनों को पढ़ लिया। कितना को पढ़ लिया? तीनों को पढ़ा। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को तीन भागों में बांटा, ठीक है। तीन भाग कौन कौन था? एक था लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दूसरा में था सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तीसरा में था वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो था वो क्या था? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को इट मींस क्या होता है? वन डायमेंशन। अभी क्या? पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लंबाई। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था जो, वो क्या था? टू डायमेंशन, मतलब टू डायमेंशन में चार्ज का बंटवारा होता, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। उसके बाद पर यूनिट एरिया। अब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जब पढ़ रहे थे तो थ्री डायमेंशन में था। कितने डायमेंशन में? थ्री डायमेंशन में था। थ्री डायमेंशन में था तो उसका क्या पर यूनिट वॉल्यूम था? कितना था? पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे करके हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को तीन भाग बांटा और तीनों टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। ओके, थैंक यू।